मैं कैप्चर कर रही थी, यहाँ पे सफ़ेद चूहा दिखा था हम लोगों को, हर क्वालिटी के यहाँ पे चूहे दिखा, पता नहीं चला गया यहाँ पे सफ़ेद चूहा था, बहुत तेज़ उसकी आवाज़ आई तो भग गया। देखिए शेरी के इंतज़ाम के लिए लस्सी भी यहाँ पे देखें रेडी हो रही है, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। गरम रोटी चेक करिए, गरम गरम रोटी है जेके रेस्टोरेंट से, ये देखिए निकल गया, वाह जी वाह, कितनी फटी फटी रोटी है, अभी हम लोग इससे सेरी करेंगे। इतनी ज़बरदस्त जो है सेहरी की मार्केट लग रहा है कि ये अभी इतनी रात हुई भी है, ये देखिए। और अभी जो है हम तीसरी सेहरी के लिए दूध और दही ढूंढने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के जो हजरात हैं वो नाकाम हो चुके हैं इस कोशिश में, उन्हें दूध और दही नहीं मिली है, वो हथा खार के घर वापस आ गए। तो अभी जो है स्ट्रॉन्ग लेडीज, हाँ सोहेल एंड फैमिली की स्ट्रॉन्ग लेडीज जो है वो जा रही है, मुझे मॉइस्चराइजर लगा है मेरे हाथ पे दूध और दही ढूंढने के लिए। तो चले फिर आप भी चलें, हम इस वक्त आपको दिखाते हैं कि सेहरी की जो है मार्केट किस तरीके से जो है तैयार हो रही है, सजी हुई है, और जो चीज़ें लेके आते हैं। चले फिर चलते हैं। सोच रहे होंगे कि इतनी रात को जो है हम बहने क्यों जा रहे हैं, तो जनाब हमें जो है यहाँ पे डर नहीं लगता है रात में भी, क्योंकि हम लोग जो है बहुत छोटे ही, कहले हम लोग बहुत छोटे ही थे, बहुत छोटे तो नहीं लेकिन हाँ हम छोटे ही थे जो हम यहाँ आ गए थे इस इलाके में, और यहीं पे हमारा बचपन गुजरा है, तो हमें यहाँ के सारे लोग जो है हमारे अपने लगते हैं, हमें लगता है कि सब हमें जानते हैं, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि इन लोगों ने भी कभी हमें तंग किया हो, तो इसलिए हमें एक अपनाइत सी एक मोहब्बत। देखें फिर टूटे शीशे में अपना चेहरा ये लड़की देख रही है, और इधर देखो ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग आ चुके हैं, चाहिए निकल। अच्छा जी बाहर मैं देखूंगी, अगर बहुत अंधेरा हुआ तो फिर मैं कैमरा नहीं निकालूंगी, मैं देख के काम करूंगी। काफ़ी रौनक लगी है, लगी नहीं रहा है, ये रात के 2 बज रहे हैं, और चले जी देखते हैं दही। दही मैंने लोगों को देखा है लेके जाते हुए, अभी मुझे ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पर दही है, सभी का मेरा हाथ पकड़ पकड़ के मुझे लेके चल रही है, क्योंकि मैंने तो कैमरा पकड़ा, ये देख इस तरह से ये संभाल संभाल के लेके चल रही है मुझे। चले देखते हैं कहाँ दही मिलती है। इतनी ज़बरदस्त जो है सेहरी की मार्केट लग रहा है कि ये अभी इतनी रात हुई भी है, ये देखें, और सभी का आगे आगे जा रही है, ये देखें सब है, रौनक चेक करें क्या हुआ। हाँ लाइन में लग लग के जा रहे हैं संभल संभल के, वो देखें दूध की दुकान पे लाइन लगी है, चलें देखते हैं वहाँ शायद मिल जाए दही। देखें सेहरी के इंतज़ाम के लिए लस्सी भी यहाँ पे देखें रेडी हो रही है, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त, सारा इन्होंने इंतज़ाम रखा हुआ है ये नागौरी दूध वाले, और हम यहाँ पे अच्छा सा इनका थंबनेल भी लेते हैं जो कम्युनिटी पे शेयर करें, और बहुत अच्छी रौनक बनी हुई चाने जी। हम लोग सेहरी के लिए जो है रोटियाँ लेने जा रहे हो, यहाँ देखें सेहरी का सारा इंतज़ाम जो है हो रहा है, और सब कुछ जो है वो सजा हुआ है, चने जी रोटियाँ लेते हैं, और यहाँ हम लोग जेके आए, सभी का जा रही है जेके रोटी का ऑर्डर देने। महक शाह थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, आप हमारा व्लॉग देखती हैं इतने प्यार इतने मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन सुम्मा आमीन। और अरमान हसन थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, और आपको जो है पकौड़ा चाट पसंद आई, पकौड़ा चना चाट सब पसंद आया, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने का कॉमेंट करने का। गरम रोटी चेक करिए, गरम गरम रोटी है जेके रेस्टोरेंट से, ये देखें निकल गया, वाह जी वाह, कितनी फटी फटी रोटी है, अभी हम लोग इससे सेरी करेंगे। चलिए भैया इसको जल्दी से पैक कर दीजिए आप। दुकान का जो है स्टॉल सारा जो है सजा हुआ है, और पापड़ी वगैरह सब जो है सारी चीज़ें जो है रखी हुई है, ओहो ये भी है, और ये प्याज ब्राउन की भी है, और ये नमकीन बूंदे भी हैं, और सारी चीज़ें जो है रमज़ान की है सजी हुई है क्रेसेंट में, ऑनलाइन पे मिलता है नंबर। हाँ मैं कैप्चर कर रही थी, यहाँ पे सफ़ेद चूहा दिखा था हम लोगों को, हर क्वालिटी के यहाँ पे चूहे दिखा, पता नहीं चला गया यहाँ पे सफ़ेद चूहा था, बहुत तेज़ उसकी आवाज़ आई तो भग गया। जो है हम लोग अपने घर आ चुके हैं, और हम लोग जो है लिफ्ट का जो है वेट कर रहे हैं, लिफ्ट जो आ चुकी है, अब हम जाते हैं फिर जहाँ, तो देख लिया कैसा लगा, घर जाते हैं और फिर सेहरी की तैयारी करते हैं। डिफरेंट लाइट बड़ी अच्छी नहीं, पिक्चर अच्छी आती है, चल क्यों नहीं रही है, चल मेरे प्रेस से नहीं। यहाँ पे जो है सबसे पहले तो मैं दही जमा दूंगी, क्योंकि दही में मैं दूध का रिस्क नहीं लेती, और मैं जब भी दही जमाती हूँ ना तो मैं कभी भी फ्रिज का रखा हुआ दूध या दही जो है वो यूज़ नहीं करती, बस फ्रेश दुकान से लाती हूँ और मैं जमा देती हूँ, मैं ये रिस्क ही नहीं लेती, मैं रखा हुआ मतलब। और जैसे कि गैस है ही नहीं, अभी तक गैस नहीं आई है देखें, और 4 बजे गैस आएगी, लेकिन हम यहाँ पे अपने काम में जो है लग चुके हैं, और इसको जो दूध को हम यहाँ पे ठंडा ठंडा कर रहे हैं। चले जी दूध को और सारा रेडी ऑफ कर रहा था, कल की वीडियो में मैंने तुम्हें जवाब दिया भाई, बात तो तुमने बहुत मजे की, बच्ची का बाल बाल, अब जो बच्ची का बाल बाल के हम उसमें जो है
देखो बच्ची ने बाल बहुत मुश्किल से कटवाए, अब बच्ची बाल खोल के ही रखेगी जब तक ये लंबे नहीं होंगे ये बाल। और आपको वीडियो के एंड में हम दोनों बहनें बहुत प्यारी लगी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। सादा रोटी भाई, रमजान में जो है ये मेरा दुपट्टा क्या हो गया, रमजान में जो है टाइम निकाल के दुपट्टा को ये सही इसमें टाइप कर दे हमारी वीडियो जो आपने। हाँ भाई, आप लोग मुझे 30 सेहरी में 30 कलर के रूप में देखेंगे। आज मैं गोला गंडा बनी हुई हूँ, वो नहीं रेड शरबत, हरा शरबत और ये दही जमाना सिख, मतलब सिख आता तो था इनको, लेकिन इनको मतलब आदत लग गई अब दही जमाने की। तो घर की दही जो है बड़ी गाढ़ी होती है, दही जमती है, हाँ ये है गाढ़ी होती है बाहर की दही, मतलब अब जो हमने घर की टेस्ट की तो अच्छी है। मुझे झटका लग गया, मैं खास हूँ। होपफुली आप सब सब्जियों को मैं रोक लूँ, मेरी रील भी बना रही है। होपफुली आप सबको जो है दही जमानी आती होगी, लेकिन मैं बता दी थी, मैं कैसे देखें दूध को मैंने अच्छी तरह गर्म किया, उसके बाद इस तरीके से मैं इसको ठंडा कर देंगे। मैंने झाक कर ठंडा इतना है कि मैं अपनी उंगली को देखिए डाल दी हूँ, तो मेरी उंगली टॉयलेट के लिए ये नीम गर्म है, जैसे नहीं कुनकुना या गुनगुना क्या कहते हैं, मामा को पता होगा ये वो है। और यहाँ पे देख लीजिए, देखिए मैं देखची को ही पकड़ ले रही हूँ, जो पेन है मैं इसको ही पकड़ ले रही हूँ, इतना इस वक्त हो गया। इसको जो है मैं मट्टी के प्याले में जो है जमाती हूँ, तो मैं इसी में देखें हल्की सी हीट आ रही है, हल्की सी हीट आ रही है, अभी वो हीट भी मैं ख़त्म कर दूँगी। हीट आपने ख़त्म कर देनी है, बस इस तरीके से इसको 2 से 3 बार करें, हीट सारी जो है निकल जाएगी, हमारा दूध जो है गुनगुना या कुनकुना हो जाएगा। हो गया, अब यहाँ पे हमने ले लेना है चम्मच, ये देखें इस तरीके से आधी चाय का चम्मच इधर, आधी चाय का चम्मच इधर, दही ले ली मैंने, दही देखें थोड़ी थोड़ी सी दही बस डाल रही हूँ, दही को मैंने फेटा नहीं, मैं डायरेक्ट दही को देखें थैली से इस तरह से निकाल रही हूँ, ऐसे डाला और सेंटर में ये देखें बस डाल दिया, हो गया काम खत्म। अब दही का यहाँ पे काम खत्म, दही को मैं रखती हूँ यहाँ साइड पे, और अब इसको मिक्स कैसे करना है दही को ये देखें, बस जी इस तरीके से दही में बहुत ही अच्छी सी परफेक्ट सी मिक्स हो जाएगी। अच्छा जी, दूध को गर्म करने के बाद मैंने दूध में जो है वो मलाई नहीं जमने दी, इसीलिए मैं इसको इस तरीके से झागदार बनाती रही, ठीक हो गया। ये देखें अभी बस इसको थोड़ा सा करूँगी, दही जो है बस इसी तरह से दही मिक्स होगी, दही मेल्ट होगी, जो भी दही को होना है वो होगा, हमें इसको फटने की ज़रूरत नहीं है दही डाल के। अब इसको बस कर देते हैं अच्छी तरीके से, मैं मेक श्योर कर लेती हूँ यूँ दही को मिक्स कर देते हैं, हो गई दही हमारे अच्छी तरीके से मिक्स, बस यहाँ पे काम ख़त्म। अब मैंने ये तश्तरी ली, इसको रखा, एक प्याला ले लिया, इसमें देखे मैंने ये टॉवल रखा हुआ है, और इसमें जो है इसको रख देते हैं, एक मिनट, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा तो मैं फॉइल लगाती हूँ, अभी जो है मुझे कंजूसी का भूत चढ़ा हुआ है तो मैं फॉइल नहीं लगाऊँगी, इसको ये रखा, इसके ऊपर हमने रख दिया तश्तरी, और इसको बस ये अच्छी तरीके से कवर कर दिया, और इसको मैं रख दूंगी 12 घंटे के लिए। इसको अब मैं कल इफ्तार की जब मैं प्रिपरेशन करूंगी ना, उस वक्त मैं इसको खोलूंगी, इसको मैं कैबिनेट में डाल दे दूँगी, बस यही प्रोसेस है दही जमाने का, और कल भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी जमी परसों। दही जो है मैंने जमने रख दी है, और अभी जो है हम लोग गैस का माँ बेटियाँ वेट करेंगे, और हम प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे आपस में बैठ के, फिर आपसे मिलते हैं सहरी, जैसी गैस आती है फिर सहरी के टाइम पर मिला रहेंगे। गैस अभी तक नहीं आई है और मामा जो है यहाँ पे सेहरी बनाने लग गई हैं, तो यहाँ पे सबके साथ ऑमलेट फ्राई हो रहा है और तंदूरी के साथ हम इसको इंजॉय करेंगे। सालन रोटी ऑफिशियल, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, थैंक यू इतने प्यार इतनी मोहब्बत के लिए, और हाँ भाई उसने जो है बात मान के जो है बालों को जो है वो बांध बांध लिया, बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए। अभी जो है हम लोगों ने सेहरी वगैरह करके नियत हो जाएगा, क्योंकि फजर वगैरह पढ़ ली है, फजर हो चुकी है, और अब जो है हम लोग सो जाएंगे, और अब जो है हम दोपहर में उठेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी उठें, जितना जल्दी उठ सकें उठें, और फिर आपसे मिलते हैं। चले जी, यहाँ पे जो है शाम हो चुकी है, शाम जो है सुबह 4:30 हो चुके हैं, और हम लोग जो है वही हम लोग जोहर की नाई होते हैं, मैंने आपसे बताया था लास्ट मिनट में, तो अभी जो है मैंने यहाँ पे इफ्तार की थोड़ी सी तैयारी कर ली है, तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पॉकेट, इसकी मैंने सारी स्टफिंग रेडी कर लिया, चीज़ रख लिया है, और मीठे में जो है मैंने कहा था कि बस 2 दिन के फ्रूट्स लाए थे, बस हो गया फ्रूट चार्ट का शॉप पूरा हो गया, बस ऐसा नहीं है कि फ्रूट नहीं आएगा, आएगा पर अभी नहीं आएगा, तो जब आएगा आएगा, फ्रूट्स 2 दिन खा के सपना, बस फ्रूट्स को हमने डाटा वाई वाई बोला है। और अभी जो है मैं मीठे में बना रही हूँ सूजी का हलवा, तो सूजी का हलवा बनाते हैं, उसके बाद इसको डन करते हैं, फिर जैसे जैसे ये होता जाएगा मैं आपको बताती जाऊँगी। सभी का बेबी का बर्थडे भी जो है उनके फ्रेंड्स ने उनको गिफ्ट दिया, आप ही गिफ्ट ही देगी, आप ही गिफ्ट देगी, अच्छा सा लेकर आना कुछ, अच्छे से लेकर आना, तो अभी हम तो मार्केट भी जाएंगे सभी का के लिए, तो चलिए भी चलिए स्टार्ट की तैयारी करते हैं।
हसमुख प्लेस थैंक यू सो मच फॉर कॉमेंट। साइमा फैजान थैंक यू सो मच फॉर कॉमेंट। और नगरेश खान जी हाँ हमारे रोजे तो बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, तुम बताओ तुम्हारी शॉपिंग कैसी चल रही है, तैयारियाँ कैसी चल रही हैं और सब कुछ कैसा है। यहाँ पे जो है मैं बना रही थी चिकन चीज़ ब्रेड पॉकेट और इसकी रेसिपी जो है वो आपको मेरे कुकिंग चैनल पर मैंने डिटेल में बनाई हुई है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। मेरे व्लॉग के चैनल पर जो भी रेसिपी अगर मैं वो यहाँ पर नहीं बता रही हूँ ना और आपको पसंद आ रही है चीज़ और आपको चाहिए हो तो वो सारी रेसिपी जो है मेरा किचन वाला जो मसारा किचन का चैनल है उस पे जो है मैंने डिटेल में जो है शेयर की हुई है, तो ये रेसिपी भी आपको वहाँ मिल जाएगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले ब्लॉग्स में मैं इसको फिर से जो बनाऊँगी ना तो मैं यहाँ पे जो शेयर कर दूँगी, क्योंकि आज जो है बस ब्लॉग जो है बड़ा लंबा लंबा होने वाला है क्योंकि आज मैं तैयारी कर रही थी, मैं जल्दी जल्दी से काम बस करूँ और मम्मा को लूँ और निकलूँ बाहर। आज की तारीख में बस मैंने जो है यहाँ पे चिकन पार्सल जो है ये बना लिए थे, चिकन पॉकेट और इसे चिकन चीज़ पॉकेट और सूजी का हलवा मैंने बना लिया था और मम्मा ने यहाँ पकौड़े फ्राई कर लिए थे। बस ये आज की इफ्तारी में यही है और इन्हें हम ये बहुत है और रात के सालन जो है मम्मा ने बना लिया है। चले जी इफ्तारी वगैरह करके फिर फ्री होने के बाद फिर हम चलेंगे मार्केट, तो आपको भी हमारे साथ मार्केट जाना है, तो फिर आपसे मिलते हैं इफ्तारी के बाद। यहाँ पे अब जो है इफ्तारी के बाद जो है दही निकाल रहे थे यहाँ पे और मैं हर काम जो है मम्मा से करवाती हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा का जो है हाथ लगेगा ना तो वो चीज़ जो है कभी भी ख़राब नहीं होगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और देखिए दही जो है उस दिन से ज़्यादा अच्छी जमी है, बिल्कुल परफेक्ट जमी है और आज जो है थोड़ा सा पानी भी नहीं था और यहाँ पर मम्मा इतनी खुश हो रही थी कि पापा को जो है दही दिखाने लेके जा रही थी क्योंकि उस दिन जो है पापा ने प्याले में जमी हुई दही जो है वो नहीं देखी थी, बाद में हमने उन्हें फ्रीजर से निकाल के दिखाई थी तो बड़े हैरान हो रहे थे कि घर में कैसे हो गया। तो यहाँ पर जो दिखाई तो पापा भी जो है देख के उसको बहुत हैरान हो रहे थे, खुश हो रहे थे। जाहिर सी बात है आपके पेरेंट ही होते हैं जो कि आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, आपकी हर चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो खूबसूरत बनाते हैं, देख के इस तरीके से खुश हो रहे होते हैं जैसे लगता है कि छोटे से बच्चे ने कोई काम कर लिया। और यकीन मानिए माँ बाप के सामने आप चाहे जितने भी बड़े हो जाएँ लेकिन आपको छोटा सा अपना आप फील होने लग जाता है, माँ बाप के सामने ऐसे ही लगता है चाहे हम किसी भी एज के क्यों ना हो ना माँ बाप के सामने हमें छोटा सा फील हो रहा था। और देखिए मेरी मम्मा का हाथ लगा तो दही देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की अच्छी थी जो है वो जम गई है। मैं बिरयानी भी जो बनाती हूँ कोई भी चीज़ बनाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं मम्मा का उसमें हाथ ज़रूर लगवाऊँ, या तो मैं मम्मा से जो है बिरयानी मिक्स करवा लूँ या तय लगवा लूँ, कुछ भी मैं कर लूँ बस एक है। और नेहा नवाज मैंने विपे विप की जो है क्रीम यूज़ की है इसीलिए जो है वो गाढ़ी हो रही है जिससे मैं केक बनाती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं उनका नंबर वगैरह दे दूँगी, ऑनलाइन भी जो है पूरे पाकिस्तान में वो अवेलेबल होती है क्रीम, आप ऑनलाइन जो है उसको मंगवा लीजिए। आधा किलो का डब्बा 300 का आई थिंक मिलता है, या हुसैनाबाद का भी जो मैंने नंबर वगैरह दिया हुआ है ना उनका भी ये विपिंग वालों की क्रीम जो है अवेलेबल है, वो आसानी के साथ मिल जाती है। बाकी ये कि मैंने तुम्हें डिटेल में उसका ऑल्टरनेट भी आंसर जो है कॉमेंट पर कर दिया तो तुम वहाँ से पढ़ लो। सॉरी करना था क्योंकि अचानक जो है इफ्तार के बाद जो है मम्मा का जो है वो शुगर जो है वो हाई हो गया और वो हो गया था 248 आई थिंक हो गया था, मम्मा का शुगर इतना हाई हो गया था तो जिसकी वजह से जो है हम लोग मार्केट नहीं जा सकते थे। मम्मा तो कह रही थी नहीं 8 बजे तक चलते हैं हम सेट हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि ऐसे में रिस्क लेना जो है वो सही नहीं है लेके जाना उन्हें। तो खैर अभी जो है मैंने कहा जैसा कि रात हो चुकी है और लाइट वाइट जो है आ चुकी है तो अभी जो है मम्मा काफ़ी बेटर फील कर रही हैं और वो एक काम कर रही हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी जाके क्या वो कर रही हैं। और इसके साथ ही मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आप लोगों से थोड़ी सी बात, अच्छा जी मैं बता दूँ मैं उसके लिए कोई गिफ्ट शिफ्ट लाने नहीं जा रही थी, गिफ्ट लाने जा रही थी लेकिन जैसा कि आप लोग सोचोगे बर्थडे गिफ्ट वो नहीं, मेरा जो मैं जो अपने घर वालों को जो बर्थडे गिफ्ट दे सकती हूँ वो ये है कि मैं तो या तो मैं केक बनाती हूँ या मैं उनके लिए बहुत पसंद का उनके लिए खाना बनाती हूँ जो मेरे मैं कर सकती हूँ मैं वो करती हूँ, क्योंकि मैं जाहिर ज़्यादा मैं कोई अर्निंग तो नहीं कर रही हूँ उतनी कि मैं जो गिफ्ट दूँ या ये करूँ या मेरी कोई ऐसी जॉब नहीं है, तो जो मैं कर सकती हूँ तो मैं वो उनके लिए करती हूँ और ये बात उसको भी पता है। तो मैं उसके लिए वही जो है जो उसका मेन्यू है उसका फेवरेट जो वो बर्थडे में खाती वगैरह तो वो सारे सामान जो है हम माँ बेटी जो आज जाने वाले थे लेकिन ये तो हो सकता है एक दो दिन मिले हैं, हो सकता है अपने पापा को हम लोग लिस्ट। और मुझे यहाँ पे कहना था कि होम वाइटी भाई शायस्ता सलाम वालेकुम, हमजा थैंक यू सो मच जो है तुमने जो है शायस्ता से बोला कि वो मेरे लिए दुआ करें, अपनी अम्मी से बोला मेरे लिए दुआ करें, भाई बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अपनी नानी से कहा मेरे लिए दुआ करें, अच्छे नसीब ला आमीन सुम्बा आमीन, तुम्हारे नसीब भी अल्लाह पाक बहुत अच्छे करें। और जजाक अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार इतने मोहब्बत के लिए। और तुमने कहा कि कोरंगी के बारे में पूछा, तो नहीं भाई मैं कोरंगी के किसी भी मार्केट में नहीं गई हूँ और 6 नंबर की मार्केट नहीं गई मैं, हाँ मैं कोरंगी की 2 नंबर की कोरंगी 2 नंबर शादी में गिरी जो मैंने वीडियो डाली और मुझे तो वहाँ का बैंक्वेट आउट स्टैंडिंग लगा, बहुत खूबसूरत था सब कुछ बहुत अच्छा था, लाइटिंग इतनी अच्छी थी कि मतलब वहाँ जो मैंने जब अपनी पिक्चर्स वगैरह लिया भाई मेरा तो दिल जो है ना कहते हैं ना दिल बोले हड़प्पा हो गया था वहाँ पर, बहुत मैं मुझे अच्छा लगा। और इसके अलावा तो मैं कोरंगी नहीं आई हूँ।
और दूसरी बात मुझे यहाँ पे कहनी थी कि काम कौन सा, मतलब क्या काम, बस काम चलते रहते। गैस की टाइमिंग इतनी टफ है कि बहुत टफ टाइम है। गैस जो है कुछ ऐसे टाइमिंग में दे रहे थे जो बंदे का दिन चल रही, हमें अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना है कि हम थोड़ा सा खुद को सुकून दें, खुद को रेस्ट दें, इतना काम भी ना करें कि बीमार हो जाए। तो उस बात का लिहाज रखते हुए भी बस ये कि सारे काम जो सिमट जाते हैं सर, माशाल्लाह से तीनों माँ बेटी जो है मिलकर कर लेते हैं तो सब समझ जाते हैं, कुछ भी ऐसा मतलब नहीं रहता है। और हमें जो है अपने रमज़ान की जो स्पेशल चीज़ें हैं उसका भी टाइम जो है मिल जाता है, इबादत का टाइम भी मिल जाता है और सब कुछ मतलब हो जाता है अच्छे से। और दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये कहनी थी, वाई आई एम होम बाई डी, भाई देखो मैं और सब, मैं बड़ी हूँ फिर सभी का है और उसके बाद जो है फिर एक भाई है बस। और मुझे यहाँ पे स्पेशल जो बात करनी थी वो कहनी थी शायान खालिद, भाई आपने जो मेरे भाई के बारे में एकदम लिस्ट लगा दी, तो मैं शायान खालिद आपसे भी कहना चाहूँगी और मैं बहुत माजरत के साथ अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगी। और जितने जितने मुझे देख रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो जानते हैं उन्हें तो खैर सब पता ही है, लेकिन जो न्यू है और जो मतलब नहीं जानते हैं, मतलब मेरे प्रीवियस वीडियो में उसके बारे में काफ़ी बात की हुई है, तो उन्हें मैं ये कहूँ कि भाई देखें, एक बंदा जो है वो YouTube पे नहीं आता है, वो वीडियोस में नहीं आता है, उसकी आवाज़ तक नहीं आती है, तो उसके बारे में उसके पीछे बात करना ये मतलब मुझे ठीक नहीं लगता है, है ना, क्योंकि हाँ है ना इस तरह की। और दूसरी बात ये कि जैसे कि आपने कहा कि वो मना करते, भाई वो मेरा मतलब खून है, मेरा ब्लड रिलेशन है, मेरा सगा छोटा भाई है, मेरे बच्चों की तरह, तो मेरा दुश्मन थोड़ी, जो मुझे यूट्यूब पर आने से मना कर रहा है इसका मतलब कि वो मेरा दुश्मन है, मेरी नज़र में वो मेरा दुश्मन है जो मुझे रोक रहा है, तो वो ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरी बात यहाँ पे है कि प्लीज़ इस बारे में सवाल मत, जो आपको देखे मैं देख रही हूँ मेरे बारे में जो पूछना है पूछिए, सभी के बारे में जो पूछना है पूछिए, मम्मा पापा के बारे में जो पूछना है पूछिए, और लेकिन जो यूट्यूब पे आपको मेरी फैमिली में नज़र नहीं आ रहा है, जो कि जो बंदा है ही नहीं इसमें कनेक्शन, तो उसके बारे में बात करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है, ये ना फिर बुरी बात हो जाती है कि उसके बारे में बात हो, तो बस यही सारी बातें हैं। चलिए फिर दिखाते हैं मम्मा क्या कर रही हैं। यहाँ पे मम्मा राशन बैग जो है वो बनवा रही थी और बैठ के जो है सब चीज़ें देख रही थी। अब मम्मा की तबीयत जो है थोड़ी सेट हुई थी तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी काम करने, वैसे भी आज 3 रोज़ा जो है हो चुका है, तो जिसके अभी हमें पहुँचाना है जल्दी से हम कर दें। और मम्मा को बहुत दुख हो रहा था क्योंकि लास्ट ईयर ये काम हमने बहुत बड़े पैमाने पर किया था, हम हर साल बहुत बड़े पैमाने पर करते थे, बहुत काफ़ी सारा करते थे, लेकिन इस दफ़ा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारी जो हेल्पर है, हमारी दोस्त है, हमारे दुख दर्द के साथी, जी हाँ मैं उसको दुख दर्द के साथी कहती हूँ क्योंकि हमारे दुख में हमारे दर्द में सबसे पहले जो है मौजूद रहती हैं, तो उनको जो है कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो जितना भी हो सक रहा है, जो भी हो सक रहा है, मम्मा ने कहा नहीं मुझे देना ही देना है। और उनके साथ जो है उनकी बहन भी है, तो उनके लिए भी मम्मा यहाँ पे कर रही है तैयारी। और तकरीबन ये जो 2 बैग जो है तैयार हुए हैं, तो ये कम से कम भी जो करके भी हुए हैं तो ये 10,000 के हुए हैं, जो कि बहुत महंगा, इतनी महंगाई हो गई है कि मैं क्या बोलूँ कि देविया तुमने कहा कि मैं मार्केट कब जाऊँगी, यकीन मानो मार्केट जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है मैं जाऊँगी, मैं किराया दूँगी। और फिर यहाँ पर मसला ये रहता है कि पाकिस्तान में कि 10 दिन जो है हमारे रमज़ान में जो है तरावी का तुम्हें पता ही होगा वो होती है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो ज़्यादातर जो है वो 10 दिन मगरिब के बाद बंद हो जाते हैं, अंधेरा होते ही वो बंद हो जाते हैं 10 दिन। अब मैं जाऊँ भी, मेरा किराया भी लग जाए और फिर जो है मार्केट बंद रहे तो बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होगा कि मेरा जो पैसा खर्चा हो गया। तो इसीलिए जो मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ कि ये जो 10 दिन निकल जाएँ, तो फिर 11वें रमज़ान से फिर हम लोग जो है मार्केट के चक्कर लगाना शुरू करेंगे। अभी जो है कुछ दिन में जो कपड़े घर में जो ईद के लगे रखे हुए हैं, जो कि तैयारी ईद की घर में करनी है, वो सब करेंगे। और यहाँ पे जो मैं सारा सामान जो है निकाल निकाल के मम्मा को दिखा रही थी, साथ ही मैंने अपना मुंह भी कवर किया हुआ था, क्योंकि आपको पता है आटे की बोरी, चावल की बोरियाँ और चीनी की बोरियाँ वगैरह आई हुई थी ना, जिसकी वजह से जिसकी डस्ट से ना मुझे फिर एलर्जी हो जाती है, मुझे छिके वगैरह जो है ना शुरू हो जाती हैं। चले अब जो है वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और मुझे कह रहा था असमा की दुनिया भाई, ये वाला नाइट ड्रेस जो सभी का नहीं पहना हुआ है, ये हमने चेस वैल्यू से लिया था, जो कि जौहर चौरंगी वाला है, वहाँ से जो है ये लिया था। थैंक यू सो मच भाई, आपने वीडियो देखी, आपने कमेंट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा की दुनिया का रिएक्शन चैनल जिसको मैं बहुत शौक से देखती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ। तो इसके साथ ही जो है वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और आप सबने तो बहुत ख्याल रखना है, और शायान खालिद और आप सब जितने, आपने मेरी बात का बुरा नहीं माना है, मैंने एक बहुत ही पॉजिटिव बात बोली है कि जो बंदा है ही नहीं इस चीज़ में तो उसके बारे में क्या ही बात करना। बस आपने ये सोचना है कि हम 2 बहनें हैं और हमारे अम्मी अब्बू हैं, साथ हमारे मामा पापा हैं। और बस जी चलिए जी, वीडियो को नहीं किया लाइक जल्दी से कर लीजिए लाइक, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम टिकटॉक और फेसबुक पे हमें कर लीजिए फॉलो। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।